सीए इंटरलॉ। बस 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 रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है अब, ठीक है। अच्छा एक बात सुन लो मेरी क्लियर कट, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमारा सी हो गया, चलो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमारा सीए इंटर का जो लॉ है वो 100 मार्क्स की जो बाइफर्केशन है वो कैसे है, 60 मार्क्स का कंपनी लॉ, 40 मार्क्स के अदर लॉज। अदर लॉज में हमने बात की थी आपके सिर्फ चार चैप्टर हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अलावा अगर हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसमें वो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट्स इनके बारे में आप लोग पढ़ोगे, तीसरा आपका है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, लॉ को रीड कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है उसमें वो सिखाया जाएगा, चौथा है आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट, चौथा है आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट भी इज ऑल्सो एन इंटरप्रिटेशन लॉ, हमने बात की थी इसके ऊपर, जनरल क्लॉज एक्ट भी क्या है, इंटरप्रिटेशन लॉ ही है। जैसे तुम्हारे को एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दे देता हूँ, ले ले क्या करेगा, तो लगा रहे क्या करना चाहिए, तो सर को वो बोला क्या मेरे वाले चार्ज देते ना, हाँ बैग में निकाल दे। अच्छा तो हम लोग जो बात कर रहे थे 40 मार्क्स के आपके अदर लॉज हैं, मैं आपका बैक साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कंपनी लॉ से नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके जो 60 मार्क्स वाला पोर्शन है उसमें फिर से 40 अमेंडमेंट्स आ गई, करेक्ट। हमने बात की थी कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आ गई है 2018, और ऑर्डिनेंस क्या होता है, इट इज प्रोमोलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसके अंदर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास नहीं कराया जाता, जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं होती तो प्रेसिडेंट से प्रोमोलगेट करवाई जाती है ऑर्डिनेंस, प्रोमोलगेट मतलब क्या था, डिक्लेयर करवाना ऑर्डिनेंस को, डिक्लेयर करवाना, इट इज बेसिकली टेम्परेरी लॉ, हमने इसके ऊपर बात की थी। अच्छा अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के अंदर, हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वापिस से 1872। अच्छा एक चीज और, तुम लोगों ने जो पहले पढ़ लिया वो तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी लिंकिंग आएगी, जस्ट लाइक कि अभी ये बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करना है तो कंपीटेंट पार्टी होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होना चाहिए, तो बातें पता होनी चाहिए कंपीटेंट पार्टी कौन होता है, जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, अगर वो तीनों में से नहीं है तो वो कंपीटेंट पार्टी है, हमने इसके ऊपर बात की थी पहले। एनफोर्सेबिलिटी के लिए 6 कंडीशंस थी, कंपीटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, और लीगल रिलेशन, सोशल रिलेशन नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर भी बात हो चुकी है, और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर पहले बात हो चुकी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, इस चैप्टर मॉर्निंग में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, अगर इंडेमनिटी गारंटी की मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हारे पेपर में चैप्टर 10 से 12 नंबर का। अच्छा नाम से क्लियर हो, हमने अगर पहले बात की थी 10 चार चैप्टर है 10 नंबर के, टोटल 40 मार्क्स का पोर्शन है, सबकी वेटेड अप्रॉक्सिमेटली कितनी है, 10 10 10 10। कई बार ऐसा हमने देखा है कि कोई चैप्टर 8 का हो जाता है, कोई चैप्टर 12 का हो जाता है, और जो 12 के होने के चांस है वो इस चैप्टर के, एक ये और एक पढ़ाऊंगा आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये दो चैप्टर कई बार ऐसे होते हैं 12 के आते हैं, इस बार जनरल क्लॉजेस एक्ट 12 का गया, दूसरा 8 का गया, और जनरल क्लॉजेस एक्ट वैसे 16 का था, चॉइस भी थी उसके अंदर, लेकिन कहने को देखो तो जनरल क्लॉजेस एक्ट 16 का आ गया इस बार, तो आईसीआई की बुद्धि कभी भी फिर सकती है, स्पेसिफिक वेटेज कोई नहीं है, इस बार आईसीआई ने वैसे दी है वेटेज, उन्होंने कुछ बताया है कि इसमें से 10 से 12 का ऊपर का नहीं पूछेंगे, पिछली बार भी बताया था तब भी 16 का पूछ लिया, तो आदत है, मजबूर है वो लोग, कोई बात नहीं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, अभी बुक में से कुछ नहीं करना, पहले बेसिक बात स्टार्ट करने जा रहा हूं, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी में से आप लोग पढ़ चुके हैं, इंडेमनिटी का मतलब मैंने पहले बता रखा है, लिंक करा था जगह जगह कि वो बंदा इंडेमनिफाई करेगा उसको अगर कोई नुकसान हो गया तो, करी थी इसके ऊपर बात, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी का मतलब कंपनसेशन देना, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन देना। आपने जिस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं वो तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं, एक पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, दूसरा पढ़ना है आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तीसरा पढ़ना है आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बस खत्म, ये तीन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज वाली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी खत्म हो जाए। अच्छा एक चीज और क्लियर कर दूं, इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, पिछले एक रिकॉर्ड के अंदर एक भी क्वेश्चन सिंपल नहीं आया, सारी की सारी केस स्टडीज थी, इस बार के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से 5 5 और 2 ऐसे केस स्टडी बनी, एक 5 की, एक 5 की, एक 2 की, मतलब शायद ही कोई तुक्का लग जाए, आईपीसीसी वाले बच्चों का जो लेवल था ना पेपर का वो कम था थोड़ा सा तुम्हारे लोगों से, इंटर में इन्होंने पेपर का लेवल इंक्रीज कर दिया, तुम्हारे को कुछ शायद पता भी होगा, इंक्रीज करने के लिए जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो आप लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हो,
जो डिविडेंड वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, एक अकाउंट्स ऑडिट की चैप्टर है, तुम्हारे को पढ़ाई भी ज्यादा, क्योंकि इनका लेवल हाई था, कि सीए फाइनल चैप्टर सारे इंटर में ऐड कर दिए कि बच्चे अभी से पढ़ के आए, इसका एक लॉजिक था। चक्कर क्या है, ऑडिटर का चैप्टर बच्चे को सीए फाइनल में जाके पढ़ाया जाता था, और ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे वो बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता, किन किन हालातों में वो कंपनी से बाहर हो जाएगा, वो सारी चीजें तुम्हारे को पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि कल को तुम इंटर्नशिप में जाओगे, तुम्हें पहले से चीजें पता नहीं होती थी। अब तुम लोग फाइनल में जाके पढ़ रहे होते थे, बॉस तुम्हारी रोज बेइज्जती कर रहा होता था, अबे तेरे को ये भी नहीं पता, तू तो ऑडिटर है। ऑडिटर कौन होता है कंपनी के अंदर, तुम लोग। कंपनी के अंदर तीन तरीके के ऑडिटर होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप लोग होते हैं जो फाइनेंशियल डेटा करते हैं, कॉस्ट ऑडिटर सीएमएस होते हैं जो कॉस्ट ऑडिट करते हैं, सेक्रेटरी ऑडिटर सीएस होते हैं जो ओवरऑल कंप्लायंस देखते हैं, सब कुछ ही देखेंगे, तुम्हारा वाला ऑडिट भी हम दोबारा चेक करेंगे, उसके अलावा कॉस्ट अकाउंट वाला ऑडिट भी हम दोबारा चेक करेंगे, उसके अलावा कंप्लीट वाले काम तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, हमारा काम ओवरऑल कंप्लायंस ऑडिट का होता है। जो तुम लोगों के साथ जो पिक्चर है तुम्हारे, जो सीए के तरफ जो तुम लोगों को पढ़ना है, तो इन्होंने ऑडिटर वाला चैप्टर पूरा डिटेल में ऐड कर दिया, पढ़ के जाओ। और ऑडिटर चैप्टर की वेटेज कंपनी एक्ट के अंदर कम से कम 10 से 12 नंबर की है, मतलब 60 का कंपनी लो उसमें से 13 चैप्टर वो अकेले कितने का आता है, 10 से 12 का ऑडिटर वाला। वो मैं तुम्हारे को क्यों नहीं पढ़ा रहा अभी, क्योंकि अमेंडमेंट्स क्या होते हैं तुम्हारे पेपर के अंदर, अप टू तुम्हारा नवंबर है तो अप टू मार्च तक सारी कवर होंगी अमेंडमेंट्स, करेक्ट। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले थोड़ी सी और जितनी आती हैं आ जाएं, एक ही बार बुक के अंदर कवर कर देंगे उसको, तब तक अदर लॉस चलाते हैं, तो ये ना हो कि बाद में तुम्हारी अमेंडमेंट क्लास से लेनी पड़ जाए, है ना, इसलिए, क्योंकि अभी से स्टार्ट करा कंपनी लो, और वैसे भी रिजल्ट के बाद क्या होगा, नए बच्चे दोबारा ऐड होंगे, अब दोबारा ऐड होंगे तो उन बच्चों को शुरू से पढ़ाना है, अब जो शुरू से पढ़ाना है तो उसके अंदर क्या होगा, कंप्यूटर तुम्हारे को पता है, एक बार अगर कंप्यूटर की पिक्चर स्टार्ट हो जाए तो बीच में कोई नहीं बैठ सकता, उसके ऊपर से तोते उड़ेंगे उड़ेंगे पक्का, है ना, आरओसी आरडी एमसीए वापस सारी चीज दोबारा पिक्चर स्टार्ट होगी, इसमें बेस पढ़ाऊंगा बिल्कुल वापस से, क्योंकि आखिरी टाइम तक हालात ये थे बच्चों के, कंप्यूटर हमारे वाले बच्चों के ब्लड में था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनको आखिरी टाइम तक ये नहीं पता था कि आरओसी आरडी एमसीए क्या होता, करेक्ट। तो इस बार सारे बेस पहले क्लियर कर लेना, और एक चीज, जो बच्चे पहले छुट्टी मारते थे हमारे मॉर्निंग वाले, एक ही दिख रहा है, अच्छा छुट्टी वाला तो एक ही है, वैसे तो सारे ऑलमोस्ट हमारे मॉर्निंग वाले सारे कॉन्टिन्यूस थे, बच्चे रेगुलर थे, जो छुट्टी मारने वाले बच्चे हैं वो हरकत मत करना। एक्चुअली क्या है, किसी से रिकॉर्ड पूछना, सबसे ज्यादा बच्चा सीए में किसमें फेल होता है, इंटर में, लॉ में, पता ये बात या नहीं पता तो आप सुन लो, सबसे ज्यादा बच्चा जो फेल होता है 80% बच्चा वो लॉ में फेल होता है, उसका रीजन ये नहीं होता कि लॉ टफ है, उसका रीजन परेशानी है, एक तो पेपर एबिलिटी का आना शुरू हो गया, दूसरी चीज ये परेशानी हो गई कि तुम्हारे 3 पेपर न्यूमेरिकल है, तो बच्चा सारा दिन उसी में लगा रहता है, लॉ के लिए टाइम निकलता ही नहीं, आखिरी में कर लेंगे, और आखिरी में करने के चक्कर में कंपनी लॉ बच्चे के तोते उड़ा देते हैं, और कंपनी लॉ के साथ हालात से ये हो गए कि इन लोगों ने तुम्हारे पेपर जो पूछना शुरू कर दिए वो न्यूमेरिकल बेस, मतलब प्रैक्टिकल बेस अप्रोच शुरू कर दिए। पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रैक्टिकली फाइल होती है उसके अंदर क्या क्या डेटा कवर होता है, प्रैक्टिकली फाइल होती है तो क्या क्या डेटा कवर होता है, बच्चा कौन सा इंटर्नशिप पर क्या है इंटर का, उसे कौन सा पता, लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हें पता होगा, मैं कराऊंगा प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी जो नहीं करके आया, मैं सोचा तो आई तो पक्की प्लानिंग है फेल करने की, है ना, तो इस चक्कर में लॉ की लिंकिंग और कंप्लीट आपको पता है पूरा लिंक है, आपस में इंटरलिंक है, अदर लॉस के अंदर मैं ये भी नहीं बोलूंगा सेक्शन याद करो, मजे लो, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रोविजन समझो, याद रखो, खत्म, आगे बढ़ जाओ, लेकिन कंपनी लॉ के अंदर एक एक सेक्शन टिप्स पे होना चाहिए तुम लोगों का, सेक्शन फॉर्म नंबर रूल नंबर तो खैर मत करना, चलो ज्यादा हो जाएगा, सेक्शन और फॉर्म नंबर तक कर लेना, रूल नंबर मत करना। अब हम स्टार्ट करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी में, बेलमेंट वगैरह अभी बाद में करेंगे। अच्छा एक चीज तुम इसके अंदर और पढ़ोगे, बच्चे मेरे को आके बोलते सर प्लेज, प्लेज भी पढ़ोगे, प्लेज इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं लिखा, वो इसी का पार्ट है, ठीक। अच्छा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंडेमनिफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का मतलब कंपनसेशन, तो इसका मतलब ये गारंटी के अंदर तीन पार्टीज होती हैं स्टार्टिंग से ही, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर तीन पार्टी स्टार्टिंग से ही होती हैं। एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए को लोन चाहिए था बी से और बी ने ए को लोन दे दिया, तो जो लोन दे रहा है, लेट से 10 लाख का ही लोन लेके आया है, तो जो लोन दे रहा है वो क्रेडिटर, इसको हम लैंडर भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम
जो लोन लेके आया उसको यहां पे बोले रहते हैं प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर। और ये बोलता है कि भाई मेरे को तेरी जुबान पे भरोसा नहीं है, कल को हो सकता है तो मेरा पैसा मार ले। तो ये कहता है कोई बात नहीं मिस्टर, ये कहता है चल मैं एक काम करता हूँ, तेरे को किसी बंदे की गारंटी दिलवा देता हूँ कि कल को मैंने नहीं दिया तो कौन देगा, वो दूसरा बंदा देगा। तो जो बंदा गारंटी दे रहा है दैट इज श्योरिटी, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, श्योरिटी। ये गारंटी किसके बिहाफ पे देगा, ए के बिहाफ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्राइमरली तीन बंदे इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर जो कर्जा ले रहा है, क्रेडिटर जो कर्जा दे रहा है, श्योरिटी जो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे गारंटी दे रहा है। अच्छा, इसमें ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ट्राई पार्टी, तीन पार्टी इन्वॉल्व है। हम कहते जरूर है ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक्चुअल में तीन कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट होते हैं, ट्राई पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तीन सेपरेट होंगे। किसका, एक तो इसका और इसका, और एक इसका और इसका, ये उसको बोलेगा तो मेरे बिहाफ पे बन जा, और एक इसका और इसका कि अगर इसने नहीं दिया तो कौन देगा, मैं दूंगा। तो तीन कॉन्ट्रैक्ट होंगे किसके बीच में, एक तो ए और बी, ए एंड बी के बीच में, पहला सिंपल, सेकेंड ए एंड सी के बीच में भी होगा, और थर्ड बी एंड सी के बीच में भी होगा। इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यहां तक पिक्चर क्लियर है, ऊपर से तो नहीं जा रही बात। क्या करनी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये कैसे अब बात करते हैं, लेट्स से मिस्टर ए ने लोन लिया था 10 लाख का, किससे लिया था, बी से। अब कल को ए नहीं चुकाता तो कौन चुका रहा है, सी। यहां पे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कि आज तो सी ने ए के बिहाफ पे चुका दिया, कल को ए सी को वापिस करेगा। तो ये क्या है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, किसके बीच में, ए के बीच में और सी के बीच में। समझ आती है बात, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही है, तुम्हारे पेपर में एक बार पूछा गया था, बच्चों को समझ नहीं आया हो क्या गया, उसने क्वेश्चन बना दिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कमेंट, और बच्चा सोच रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कांसेप्ट तो अलग था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कांसेप्ट अलग था, ऐसी कौन सी पिक्चर हो गई। समझ आई, ये ना अंदर से घुमाएगा वो, तो समझ आता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंक्लूड होता है। यहां तक समझ आई बात, आगे बढ़े, इसको हटा दो सबको, किसी को कुछ लिखना है एग्जांपल वगैरह तो लिख लो, नहीं लिखना अभी नहीं लिख रहे, बाद में परेशानी होगी, हटा दो ना मैं। नोट्स नहीं मिले, देना तुझे, आपको भी नहीं मिले, और किसी को नहीं मिले नोट्स, और कोई रह गया जिसको नोट्स नहीं मिले, हो गए सारे, अच्छा एक चीज और, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंस उसको लिख लेना, आएगा आएगा। अच्छा एक खासियत क्या करी मैं तुम्हारे लोगों के लिए, इस बार ये सारी बुक के अंदर मैंने तुम्हारे पास्ट टाइम के एमटीपीज, आरटीपीज और पास्ट टाइम क्वेश्चन सब कुछ कवर कर दिया, चैप्टर खत्म होने के बाद ही सारी केस स्टडीज कवर। अच्छा नए बच्चे कितने हैं इसके अंदर, आप तीन, एक बच्चा और उसने, और एक लड़का था पीछे पोपली बाबा वाला, वो कहाँ गया, अच्छा गुस्सा,
लिख लो गांव वालों, जल्दी लिखो। ठीक 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 ठीक, थोड़ी शर्म करो वीडियो में। सर हमारी कौन सी शक्ल आ रही है? बड़े आगे जल्दी यार करें, जल्दी करो। पानी सही नीचे का, मेरी बोतल अपनी नीचे रह गई ना बैग के अंदर। बढ़े आगे, ठीक। एक क्वेश्चन आया तुम्हारे पेपर के अंदर कि वेदर अ प्रिंसिपल डेटर कैन बी माइनर, वेदर अ प्रिंसिपल डेटर कैन बी माइनर, पेपर में क्वेश्चन आया था। लॉ बोलता है, लॉ बोलता है क्यों है, कह रहा है अल्टीमेटली, क्योंकि उसका पैसा किससे रिकवर हो जाएगा, श्योरिटी से। अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर है तो भी चलेगा, लेकिन श्योरिटी मस्ट बी competent to contract. इसका मतलब principal debtor can be minor also. लिख लेना कहीं पे, नोट डाल लेना। वो कहता है अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, हमारे होगा प्रश्न की ultimately liability किस तरीके कवर होगी, surety से। तो कहीं पे नोट डालना, डाल लेना। A principal debtor can be minor, but the surety must be competent to contract as per section 11. Must be competent to contract as per section 11 of Indian Contract Act 1872. Kya chahta hai bhai ji? Aapke upar. बढ़े आगे, यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में ये आया, कई बार ऐसा होता है कि सपोज सामने वाला क्रेडिटर कहता है भाई मैं इससे पैसे नहीं लूंगा, इससे लूंगा पहले, ऐसा कर सकता है वो? श्योरिटी क्या, क्रेडिटर क्या बोलता है, लोन प्रिंसिपल डेटर ने लिया था, वो कहता है मैं पैसे इससे नहीं लूंगा, इससे लूंगा। ये कहता है भाई मेरे से क्यों, कह रहा मेरे को तेरी शक्ल ज्यादा पसंद है, तेरे को पकड़ूंगा, मेरी मर्जी, ऐसा कर सकता है? लॉ कहता है कर सकते, लिखो लिखो, श्योरिटी को पहले पकड़ा जा सकता है एज कम्पेयर टू प्रिंसिपल डेटर, उसकी मर्जी, जिसको मर्जी पकड़े आपस में, वो ऑब्वियस है कॉन्ट्रैक्ट रेमेडी तो उनके आपस में बीच में है ही, एक दूसरे का पैसे का लेन देन तो आपस में कर ही लेंगे। क्रेडिटर पहले किसी को भी पकड़ सकता है, श्योरिटी को भी पहले पकड़ सकता, हो सकता है उसकी शक्ल ज्यादा पसंद हो, इससे ही नफरत निकालूंगा सारी, उसकी मर्जी, प्यार है उसका। आगे बढ़े, डन हो गया। अच्छा इसका मतलब एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया कि प्राइमरी लायबिलिटी, अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर, प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा सीधा किसकी होती है, प्राइमरी और मेन इंडेमनीफायर की, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर प्राइमरी लायबिलिटी होती तो प्रिंसिपल डेटर की है और बाद में किसकी होती है, श्योरिटी की, क्योंकि अगर ये नहीं देगा तो कौन देगा, श्योरिटी। लेकिन एक्सेप्शन आपने पढ़ ली कि अगर चाहे तो क्रेडिटर पहले किसको पकड़ सकता है, श्योरिटी को भी कर सकता है। बुक से पढ़ लेते हैं अब चीजें, अब स्टार्ट कर रहा हूं मेन, पहले बेस बन गया ना, अब सिर्फ रीड रीड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स गिवन अंडर सेक्शन 124 टू 147 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। मतलब सेक्शन कौन कौन से इसके, 124 से लेकर 147 तक, लेकिन सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो अलग बात है। कुछ ब्रिलियंट बच्चे हमारे हो, नगीने बच्चे हैं हमारे पास ऐसे, जो याद कर लेते हैं, जिनको याद रह जाते हैं,
तो वेल एंड गुड है, वो कर लेना, हमारे को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कंपनी लॉ में मैं खुद बोल रहा हूँ छोड़ना नहीं है एक भी सेक्शन उसके अंदर, सेक्शन क्या सब सेक्शन भी इसको याद कर लेना, क्योंकि कंपनी लॉ के अगर तुम लोगों ने उनका अगर माइंड सेट कर दिया ना एक बार पेपर के अंदर, सबसे ज्यादा बच्चा किसमें फेल होता है, कंपनी लॉ में। तुम अगर कंपनी लॉ अच्छा कराए तुम्हारा काम हो गया, मजाल है कि तुम्हारे को ये एग्जम्पशन से रोक ले, और एक बार तुम्हारी अगर एग्जम्पशन अगर उसमें आ गई तो बस टेंशन की बात नहीं है, कंपनी लॉ में एग्जम्पशन आ गई तो पता है क्या, अच्छा टैक्स में एक नुकसान बताता हूँ क्या होता है, टैक्स में बच्चा टैक्स ईजी है, टैक्स इज नॉट, टैक्स सिर्फ एक सकते टैक्स टफ नहीं है, टैक्स लेंथी है, टैक्स का कंटेंट वाइडर है, अभी तक तुम पढ़ रहे हो तुम्हें समझ आ रहा होगा टैक्स है ना। टैक्स में परेशानी क्या है, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, कोई प्रोविजन है तुम्हारे को भी सर ने वो सिखा दिया होगा, पांच हेड की इनकम को कंबाइन करते हैं, जी टी आई आता है, ग्रोस इनकम बताया भी नहीं बताया अभी बेस में, अच्छा सर अभी टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ये सब बताया अभी, चलो एक चीज बता देता हूँ, पांच हेड से हमारी इनकम कंप्यूट होती है, किसी पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ पांच हेड है, एक बंदा कहां से कमा सकता है, सैलरी की इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, किराए भाड़े की इनकम से, कैपिटल गेन उसके पास कोई प्रॉपर्टी उसको बेच दिया वहां से, अदर सोर्सेज सट्टे वट्टे लगाता है, गैम्बलिंग वैम्बलिंग करता है वहां से कमा सकता है, एंड पीजीबीपी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, वहां से भी वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, पांच ही इनकम हो सकती है, इसके अलावा तो नहीं हो सकती। जब इन पांचों हेड्स को कंबाइन करते हैं तो वो बनता है जीटीआई, क्या बनता है जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। चक्कर क्या होता है, सपोज एग्जांपल लेके बात करते हैं, सैलरी वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, बड़े सारे प्रोविजन है, ये अलाउंस वो अलाउंस बड़ी सारी चीजें बढ़ सकते, अगर आपने एक अलाउंस के ऊपर गलती करी कैलकुलेशन के अंदर, नीचे तक की जीटीआई गलत आएगी, जीटीआई गलत आएगी, उसमें जो डिडक्शन दोगे वो अमाउंट गलत आएगा, आखिरी में टैक्स लाइबिलिटी जो निकालोगे वो भी गलत आएगी। तुम्हारे को भले ही पूरा क्वेश्चन आता था लेकिन एक पॉइंट ने नीचे तक का आंसर मैच करवाने से खत्म कर दिया, स्टेप वाइज मार्किंग में भी क्या नंबर देगा वो तुम्हारे को, दो दस में से, क्यों, हालांकि स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर मिलने चाहिए क्योंकि एक प्रोविजन गलत है, लेकिन आपकी गलती एक नहीं हुई ना, एक गलती ऊपर प्रोविजन गलत डालने से नीचे जीटीआई गलत हो गया, उसकी वजह से डिडक्शन का अमाउंट गलत आ गया, टोटल इनकम गलत, उसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी जो निकालोगे अल्टीमेटली टैक्स वो भी गलत आ गया, सब कुछ ही गलत हो गया, बचा गया क्वेश्चन में। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक है जीटीआई तक, उसके बाद अगर कोई गलती होती है कैलकुलेशन मिस्टेक तो तुम्हारे को 6-7 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर ऊपर से गलती हो गई तो नीचे तक सारा आंसर गलत आएगा। तो इसलिए टैक्स में बच्चे के साथ क्या होता है, बच्चा सोच कहता है नंबर आएंगे 70, नंबर आ रहे थे 40, तो बचाने वाला पेपर कौन सा है, वो बचा देगा है ना। दूसरा पेपर तुम्हारे को बचा सकता है अकाउंट्स, अकाउंट्स तुम्हारा बहुत सिंपल आता है, अकाउंट्स का पेपर सी इंटर का सिंपल आता है, सबसे ज्यादा टफ बच्चे को भारी लगती है वो इंटर में लगती है कॉस्टिंग, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग कईयों को टफ लगती है, कईयों के लिए बहुत आसान है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसका मैथ्स अच्छा है उसके लिए कॉस्टिंग अच्छी है, जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है, जिसका मैथ्स में हार्ड टाइट है, जिसको इन समझ आता है पर एक्स वाई आ गया तो मेरा ये हो गया, तो उसके लिए फिर मैथ्स बेकार है, तो उसके लिए फिर कॉस्टिंग भी बेकार है, समझ रहे हो, जिसका मैथ्स बेकार है उसके लिए कॉस्टिंग बेकार है, वो बेचारा थ्योरी रट के जाएगा कॉस्टिंग की, क्योंकि 40 की थ्योरी आती है 60 का प्रैक्टिकल कॉस्टिंग में। तो अच्छा कितने बच्चे ऐसे जिनका हार्ड टाइट है मैथ्स में, होगा, शर्माने वाली क्या बात है, मेरा था अपने टाइम पे, लेकिन फिर भी मेरे 60 नंबर थे कॉस्टिंग में लेकिन फिर भी तुमसे पूछ रहा हूँ, नहीं हमारे टाइम पे हमारे टाइम पे कंपनी अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग कंबाइन थी 50-50 की, मेरे को अकाउंट्स आता था ना तभी 60 आ गए, अकाउंट्स की वजह से आ गए। हाँ तो कितने बच्चे हमारे मैथ्स वाले टाइट वाले, सारे ब्रिलियंट है मैथ्स वाले, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जीरो तुमने इन्वेंट करा था है, चलो आओ आओ आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं, इन दिस यूनिट द लॉ रिलेटिंग टू इंडेमिटी एंड गारंटी आर डिस्कस, स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी एंड गारंटी, इंडेमिटी का मीनिंग सेक्शन 124 में है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू द अदर, तो ये वन पार्टी जो प्रोमिस कर रही है कौन है, इंडेमनीफायर, जिसको कर रही है वो इंडेमिटी होल्डर, किस लिए, फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम, लॉस किसको पहुंच रहा है, इंडेमनी होल्डर को, किस लिए, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, उसकी खुद की गलती की वैसे ही पहुंच सकता है, और बाय द कंडक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी, दोनों एग्जांपल याद थे, जो लॉस पहुंच सकता है वो उसकी खुद की गलती से भी हो सकता है और थर्ड पार्टी की गलती से भी हो सकता है। नीचे पार्टीज, अच्छा जब थर्ड पार्टी गलती से पहुंच सकता है, बच्चा सोचता है तीन पार्टी होंगी, क्या तीन पार्टी है, वो थर्ड पार्टी से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है लेना देना नहीं, तो पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है, देयर आर टू पार्टीज, इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनिटी फायर, द पर्सन हु प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉस इज कॉल्ड द इंडेमनी फायर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमिसर, दूसरा नाम इसको हमने क्या दिया, प्रोमिसर, एंड द पर्सन हुज लॉस इज टू बी मेड गुड, जिसका लॉस ठीक किया जाएगा इज कॉल्ड द इंडेमनिटी इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर, उसके दो नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमिसी, जो वादा कर रहा है कि मैं तेरे को पैसा दूंगा वो प्रोमिसर, और जिसको वादा किया जा रहा है मैं तेरे को पैसे दूंगा वो प्रोमिसी। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल देखना, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स व्हिच सी मे टेक अगेंस्ट बी,
इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ रुपीज 2000, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये बड़े ध्यान से इग्नेस में कहो, ये बच्चा इसको गारंटी से लिंक कर लेता है, एग्जांपल क्या है, वो क्या बोलता है, बी और सी का आपस में कोई लेन देन था, ए बीच में इन्वॉल्व पहले नहीं था, बी और सी का आपस में कोई लेन देन था, तो वो बी अब सी का पैसा नहीं देना चाहता, वो कहता है कोई परेशानी नहीं तू पैसा मत दे, कल को अगर वो तेरे ऊपर कोई केस वेस करेगा तो जितने पैसे बनते वो मैं दे दूंगा। ये इसने गारंटी उसको दी है जाके? नहीं दी। इसने किसको बोला ये बोलने को पैसा देने को? उसको बोलेगा, बी और सी को। क्लियर कर देते हैं, बना लेते हैं, चलो क्लियर हो जाएगा, हटा दिए सब। देखते हैं, ए बी सी क्या बोलता है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई बी। इंडेमनिफाई किसके बीच में हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिफाई बी, ए और बी के बीच में। तो इधर ए कौन हो गया इंडेमनिफायर? इसने कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं तो इंडेमनिफाई करूंगा, इंडेमनिफायर। और ये कौन हो गया? बी इंडेमनिटी होल्डर। इधर सी का कोई लेना देना है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ही नहीं। क्यों? अभी इधर देखते हैं कैसे आगे। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई बी against the consequences of any proceedings, proceedings मतलब कार्रवाई जो कोर्ट में मुकदमेबाजी होती है, proceedings which C may take against B, B और C की आपस में कोई लड़ाई थी, उसने क्या बोला, अगर कल को C तेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई करता है तो उसका पैसा कौन दे देगा तेरे को? मैं दे दूंगा, तेरे को दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में किससे बात होती है? C से बात होती है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता। उसने क्या बोला, मैं तेरे को दे दूंगा अगर C तेरे से कोई पंगा लेता है। क्या A और C का यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, पेपर में उन्होंने एक बार घुमाया हुआ, यही केस स्टडी आई थी एज इट इज। बच्चे ने सोचा तीन पार्टी हैं, स्टार्टिंग से इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उसको लगा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या होगा? गारंटी। लेकिन ये क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक चीज याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कंकरेंस होनी जरूरी है। कंकरेंस का मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब तीनों पार्टी स्टार्टिंग से इन्वॉल्व होनी जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में तीन पार्टी तो होती ही नहीं, पार्टी कितनी होती है? दो। तीसरे के लॉस की वजह से, अच्छा यहाँ पे इसका लॉस कौन बियर कर रहा है? इसका लॉस जो इसकी वजह से इसको लॉस होगा तो कौन बियर करेगा? ये बियर करेगा यहाँ पे, मगर ए और सी का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में नहीं। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, ये वाला समझ आ गया एग्जांपल। ठीक, अब नीचे से एग्जांपल टू अपने आप पढ़ लेना। नीचे आता है एनालिसिस, मैंने हर एक चीज के ना पांच पांच एग्जांपल डाले हैं, तो पार को पांच पांच तो पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, याद समझ आता है ना, एग्जांपल मैंने कोट कर दिया, एक एक दो दो से बेस क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल हम आगे अपने आप पढ़ लेंगे। नीचे बताया इसका एनालिसिस डाला है, एनालिसिस के अंदर देखो क्या बोलता है, टू इंडेमनिफाई मीन्स टू कंपनसेट और मेक गुड द लॉस। समझ आती है बात? आगे, thus under a contract of indemnity the existence of loss is essential, अगर लॉस होगा तभी contract indemnity होगा, वरना contract of indemnity नहीं होगा। आगे, unless the promisee has suffered a loss, promisee कौन होता है? indemnity holder, याद है, तो उसी को loss होता है। आगे, he cannot hold the promisor liable on the contract of indemnity, अगर उसको loss ही नहीं हुआ तो वो promisor को ही नहीं बोल सकता तो मेरे को पैसा दे compensation का। नीचे, however the above definition of indemnity restrict the scope of contract of indemnity in as much as it covers only the loss caused by the conductor of the promisor himself or by the conductor of any other person, kya raha hai, paisa sirf tabhi milega jab do condition hongi, kya to uski khud ki galti ki vajah se ho raha hai ya third party galti ki vajah se ho raha hai, agar act of god hai to paisa nahi milega, act of god iske andar cover nahi hai, wo banda road pe ja raha tha aandhi aake ud gaya, ye uske kisi aur ki galti nahi hai, kiski galti hai? act of god, ऐसे कैसे वो उससे कंपनसेशन नहीं मांग सकता, पहले अपने आप को ढूंढ ले बाइक तो बाद में ढूंढेगा वो तो एक्ट ऑफ गॉड कवर नहीं है, लिख लेना यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड कवर नहीं है। अच्छा लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा, thus loss occasioned by the conduct of promisee or accident or an act of god is not covered, समझ आती होगी बात। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वगैरह एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस तो समझ आता होगा जो बोल के कहा हो या लिख के कहा हो, इंप्लाइड जो ना बोल के कहा ना लेके का, फिर भी सरकमस्टेंसेस पता लग रहा है कि इसको इंडेमनिटी मिलेगी। एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसके अंदर कवर, हां याद है, वो हम बोलते नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक होता है। एग्जांपल लेके बात करते हैं, इस भाई ने इससे लोन लिया, करेक्ट, अगर इस भाई ने इससे लोन लिया है तो ये प्रिंसिपल डेटर, ये क्रेडिटर, अब उसको ये क्रेडिटर है, अब इस भाई को इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसकी जुबान पे पैसा देगा या नहीं देगा, तो ये कहता है कि किसी बंदे को पकड़ के लिया, ये नमन को पकड़ता है, ये वाला भाई, ये कहता है नमन को कि काम कर तो मेरे भी हाथ पे क्या दे दे, गारंटी दे दे। अब ये गारंटी दे रहा है किस चीज के लिए, कि अगर कल को इसने पैसा नहीं दिया तो कौन देगा? ये देगा। तो ये समाज सेवा कर रहा है बैठ के यहाँ पे,
इसको पैसा वापस इसका मिलना चाहिए, तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक, अब जरा ये खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तुम्हारे को पता है, सेक्शन 10, बहुत रट के गए हो, कंपीटेंट बॉडीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक, याद है कुछ? चलो ये खत्म हो गया, इसके अंदर नीचे आते हैं, सीधा मेन आता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, मैं सूट लिखो आएगा। मैं पिछले दो बार से उम्मीद कर रहा हूँ कि राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर आ जाए, नहीं आए, तो इस बार मेरे को तुम्हारे से उम्मीद है शायद तुम्हारे अटेम्प्ट में आ जाए। तो इसको इंपॉर्टेंट में डालो, आएगा मैं डालो, डाल दिया आएगा। चलो अब आना चाहिए। चलो चलो पहले देखते हैं, एक बात बताओ इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या अधिकार है। पहला, इंडेमनिटी होल्डर कौन है जिसको पैसा मिलना है, करेक्ट। पहला, he is entitled to recover all damages which he might have been compelled to pay in any suit in respect of contract. जितने damages मिलने थे उसको वो तो मिलेंगे मिलेंगे। अच्छा तीन चीजें हो रही हैं। Example लेके बात करते हैं। ये तो contract indemnity और indemnity holder के अंदर जरा देखते हैं। बनाता हूँ मैं एक situation तुम्हारे को। क्या एक बात बताओ, क्या contract of indemnity check bouncing में हो सकता है? हो सकता है? करेक्ट। मैं उसका चेक लेके गया, मैंने उसकी गुडविल गिरवा दी, मैंने उसकी गुडविल गिरवा दी। मतलब एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैंने किसी बंदे को चेक काट के दिया, मैंने किसी को चेक काट के दिया और मेरे पास पैसे अकाउंट में थे ही नहीं है। और अब मतलब एग्जांपल ऐसे लेते हैं, पैसे थे, बैंक वाले ने हमारी गुडविल गिरवा दी, बैंक वाले ने चेक को डिसऑनर कर दिया। तब बैंक वाले ने अगर चेक को डिसऑनर कर दिया तो ये कंडक्ट ऑफ थर्ड पर्सन की वजह से हमारे को लॉस हो गया। गुडविल किसकी गिरेगी? हमारी गिरेगी। किसी को याद हो मैंने एग्जांपल दिया था पहले वाला चेक बाउंसिंग वाला, लेसर द अमाउंट ऑफ चेक हायर द लॉस ऑफ गुडविल, हायर द अमाउंट ऑफ चेक लेसर द लॉस ऑफ गुडविल। कुछ याद है कि अगर सपोज एग्जांपल लेके बात करते हैं, अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने किसी को 5000 का चेक काट के दे दिया, 5000 छोटी मोटी चीज उसके लिए, और वो चेक हो गया बाउंस। मुकेश अंबानी का चेक क्लियर नहीं हुआ, अफवाह आ गई, सुबह सुबह न्यूज आ गई मुकेश अंबानी का 5000 का चेक बाउंस, इज्जत गिर जाएगी अंबानी की। करोड़पति बंदा था, कंगला 5000 भी नहीं देगा अकाउंट में, यही होगा, इज्जत गई मार्केट में, तहस नहस हो गई। तो वो तुमने कंसेप्ट एक नीचे, तुमको एक पॉइंट शायद याद भी, तुमने वो पॉइंट पढ़ा भी था नीचे, वहां पे एक चीज लिखी हुई थी कि जो ये वाला केस होता है खाली बिजनेसमैन के केस में अप्लाई होता है। अंबानी कौन है? बिजनेसमैन। और हम पहले बात कर चुके हैं बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में फर्क होता है, होता है। अच्छा किसी को तुमने वो आजकल मेरी वो वीडियो देखी, मैंने नई वीडियो लॉन्च करी है मोमो वाली थी, एक वो बनाई थी मैंने, देखी थी वाओ मोमो की स्टोरी, मैंने वैसे मैं क्लास में डिस्कस कर रखी है ना, कुछ मोटिवेशन आ गई किसी को? अच्छा मैं मोमो खिला दूं? अच्छा चलो चलो अभी पहले केस पे आ जाए। अब तुम्हारा पक्का है, बोला नहीं 31 को पार्टी है, पक्का पार्टी है। अच्छा मेरा रिश्ता हो गया उससे पहले कर रहा हूँ। अच्छा मैं अलग से दूंगा, चलो मंगवाएंगे तुम्हारे लिए अलग से पार्टी मेरी तरफ से, वो सोचूंगा अभी। अबे आ जाओ, कोई बात नहीं, कट तो होती नहीं, अपलोड तो मैंने ही मारनी है, जाएगी तो मेरे पास ही। अच्छा कह रहा रिकॉर्ड हो गया है, सबूत है तेरे पास? अच्छा चलो, अच्छा केस 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 सुन लो मेरी बात, एग्जांपल लेके बात करते हैं। इसी केस के अंदर इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर, वो कहता है अगर इंडेमनिटी होल्डर की अगर कोई गुडविल गई है तो वो इससे डैमेजेस गुडविल के भी लेगा, जितना उसको लॉस हुआ वो लॉस वाला पैसा भी लेगा, अगर कल को ये पैसा नहीं दे रहा तो उसको करने के लिए केस फाइल करा है तो रिकवरी वाले पैसे भी लेगा। तीन अधिकार है उसके, क्या क्या? पहला, जितना उसका लीगल नुकसान हुआ है एक्चुअल में वो वाला पैसा लेगा, साथ में जो उसकी मेंटल एग्री उसको हानि पहुंचे उसकी जो गुडविल गिरी उसके डैमेजेस लेगा, साथ में अगर कल को पैसा नहीं दे रहा उसके ऊपर केस करा होगा तो जितने वकील के पास खर्चे लगे आने जाने की ट्रैवलिंग कॉस्ट लगी वो सारे एक्सपेंसेस भी लेगा, उसके तीन अधिकार है। समझ आ गई बात? इंडेमनिटी होल्डर कितने अधिकार है? तीन। कौन कौन से? एक तो जो एक्चुअल एक्सपेंस उसका बनता है वो, उसके अलावा उसकी गुडविल का पैसा डैमेजेस वो, तीसरा जो उसको रिकवर करने के लिए कोर्ट वगैरह में आने जाने का खर्चा लगा वो। बहुत सिंपल बात है, किसी को अगर याद हो मैंने एक मैरिज वाला एग्जांपल दिया था कि मैरिज वाले एग्जांपल के अंदर एक लड़का और लड़की का रिश्ता हुआ और लड़का लड़की शादी होने वाली थी उनकी और उसके बाद लड़का मंडप से भाग गया,
उसका कहीं और अफेयर था, भाई को कोई और पसंद थी। अच्छा वो बेचारी वहीं रह गई। अब वो वहीं रह गई तो एक चीज याद होगा, अब लड़की के माँ बाप का जो नुकसान हुआ, एक तो जो एक्चुअल कॉस्ट जो लगी, जो पंडाल शामियाना वगैरह लगाने में लगी, लेट से मान लेते 1 करोड़ की लगी, वो तो वो लेंगे ही लेंगे। पहली चीज लड़के वालों से। दूसरी चीज वो क्या लेंगे, जो मार्केट में इज्जत गिरी, इज्जत गिरेगी गारंटी की, वही लड़की जिसका घर वाला भाग गया, ऐसे बात होगी मोहल्ले में, इज्जत गिरी उसका पैसा लेना पड़ेगा। तीसरा पैसा किस चीज का, जो इन्होंने रिकवर करने के लिए कोर्ट में केस फाइल करा है उसका वकील का पैसा। तो ऐसा, अच्छा ये बच्चा बोलता सर इज्जत की क्या वैल्यू लगती होगी, सच्चाई है ना सर, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। सपोज अंबानी की बेटी को लड़का वो छोड़ के भाग जाए, ऐसा होने नहीं वाला, कोई पागल ही होगा है ना। सपोज अंबानी की बेटी का कोई मंडप से छोड़ के भाग जाए लड़का, तो ऐसे केस के अंदर वो सारी जिंदगी कर्जा उतारता रह जाएगा उनकी गुडविल का, अंबानी की। लेकिन अगर सपोज कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से है तो उनका मार्केट में क्या सेट है, उसके बेस पे जज गुडविल डिटरमाइन करता है। और अपने हिसाब से जनरली देखा गया हमने, जितने का जो मंडप का पंडाल और शामियाना होता है ना, उसका 50% और देते हैं, मतलब एग्जांपल अगर 1 करोड़ है तो 50 लाख और गुडविल का मिलता है, ऐसा देखा गया हमने जो प्रैक्टिकली देखा है। लेकिन जो वो चीज है, जो अंबानी वाला केस है वो छोड़ दो, उधर तो ऐसा हो जाएगा कई बार कि जितना पंडाल का खर्चा नहीं तो उससे ज्यादा की गुडविल हो जाएगी, होता है ना, वहां तो गुडविल उन लोगों की इतनी है, तुम्हारे मेरे से लोगों की गुडविल तो समझ सकते हो तुम ज्यादा नहीं है, लेकिन अंबानी जैसे लोगों की गुडविल वो अलग बात है कि अच्छा तुम्हारे, अच्छा तुम्हारे को पता है एक चीज और, अगर तुम मंडप से भागे तो लड़की तो बदनाम जो हो रही है वो तो हो ही रही है, तुम्हारी कौन सा इज्जत बन जाएगी वैसे, सच्चाई तो ये हाँ लड़कों में तो तुम बन जाओगे ये वही है जो भगा के लेके गया था, भाइयों में तो तुम्हारी आपस में तो इज्जत बन जाएगी, भाई ने अपना जुबान पूरी कर ली, जो बोला था मैं करूंगा उठाऊंगा उसको घर से उठाऊंगा अपनी वाली ले गया उठा के, तो अपने से तो इज्जत बन जाएगी मोहल्ले में, ऐ वही है जरा उठा के लेके आया दूजे दूरी, तुम्हारी इज्जत ऐसी हो रही है मोहल्ले में, तो मोहल्ले में तो तुम जाओगे बदनाम, ठीक है कोई बात नहीं, अगर लड़की बदनाम है तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बनने वाली है, याद रखना ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब जरा नीचे देख लो, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। अच्छा इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड का मतलब क्या, इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर केस हुआ या जब केस किया गया था व्हेन सूड तो इंडेमनिटी होल्डर क्या अधिकार है, इसको ऐसे पढ़ना करेक्ट, तो वैसे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर के बाद कॉमा लगाओ, व्हेन सूड इसको ऐसे पढ़ना, कॉमा से लाइन का मतलब बदल जाएगा, ओके हो जाएगा ठीक है। अब जरा पढ़ते हैं, पहला ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल डैमेजेस व्हिच ही माइट हैव बीन कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस तो वो ले गई जितने बोले गए थे। सेकंड ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल कॉस्ट इंसिडेंटल टू द इंस्टीट्यूशन डिफेंडिंग द सूट, लीगल कॉस्ट की बात हो गई। तीसरा ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल सम्स पेड अंडर एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सच सूट, तीनों बातें समझ आ गई जो हमने बात की थी। तीन पैसे का अधिकार हो गया उसको, किस किस का, जो एक्चुअल उसका बनता था वो, जो डैमेजेस बनते थे वो, साथ में तीसरा जो उसको लीगल वकील का खर्चा आया वो, और आने जाने की गाड़ी के खर्चे वो ले ले, पेट्रोल का खर्चा हो सकता है भाई मांग लेते, कुछ लोग गरीब होते हैं भिखारी बिल्कुल, कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे हमारे को तो ये भी चाहिए, तो भाई ले लो क्या परेशानी है, अगर सामने वाला जज तुम्हारा दानवीर हुआ दे देगा तुम्हारे को। अच्छा अब आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अब क्या आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, कम्स टू एंड एंड लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। पहला देखते हैं, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी, आगे द पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर, कि जिसका लॉस हो सकता है, जिसको मतलब जिसको गारंटी दी गई है देने के लिए वो कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर को बोला ना हम तेरे को पैसा दिलवाएंगे वो बात है। नीचे देखना एग्जांपल में, व्हेन ए रिक्वेस्ट बी टू लेंड ₹10,000 टू सी, बड़े ध्यान से देखना, ए ने क्या बोला है बी को कि तू सी को क्या दे दे ₹10,000, तो बी कौन है क्रेडिटर, सी कौन है प्रिंसिपल डेटर, और ए खुद कौन है श्योरिटी। आगे नीचे देखते हैं, एंड आगे लिखा है एंड द गारंटीज दैट, एंड गारंटीज दैट, ए ने गारंटी दी है दैट सी विल रीपे द अमाउंट विद इन द एग्रीड टाइम, एंड दैट ऑन सी फेलिंग टू डू सो ही विल हिमसेल्फ पे टू बी, अगर सी फेल हो गया तो कौन देगा, ए देगा, ही विल हिमसेल्फ पे टू बी, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नीचे वो बता रहा है हियर बी इज द क्रेडिटर जो हमने बात की थी, सी इज द प्रिंसिपल लेटर एंड ए द श्योरिटी, क्लियर हो गई बात। अच्छा एक ना नेक्स्ट पेज पे पहले आओ, इस तरह लिंक करते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वैलिड गारंटी, दिख गया। अब जरा इसमें पहले पढ़ते, पहला है कंकरेंस, बात की थी कंकरेंस, पहला अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर्स द कंकरेंस ऑफ ऑल द थ्री पार्टीज टू इट, विज पहला द प्रिंसिपल लेटर, दूसरा द क्रेडिटर, तीसरा द श्योरिटी, तीनों एक साथ होंगी। सेकेंड
primary liability in some other, say in some person, there must be primary liability in some person other than the surety. Primary liability किसकी होती है? वो principal debtor की. अगर पहले वो नहीं देगा फिर कौन देगा? Surety. तो पहला primary liability वो पहला बंदा कौन है? Principal debtor. समझ आ गई बात? Third, essentials of valid contract fulfill होने चाहिए. ये तो पता ही है. वो पांच conditions जो पीछे पढ़ के आयो, जरा देखते हैं. A contract of guarantee must have all the essential elements of a valid contract. वो कौन से थे? Competent parties, free consent, lawful object, वो वाली बात. नीचे, but the following point should be noted. ये बड़ा important है. All the parties must be capable of entering into a valid contract. पहली बात. आगे, though the principal debtor may be a suffering person suffering from the incapacity to contract. मतलब principal debtor incompetent to contract हो सकता है, जो हमने बात की थी. मतलब वो minor हो सकता है. लेकिन in such a case, the surety is regarded as a principal debtor. कौन माना जाएगा? Surety माना जाएगा and is liable to pay personally, even though the principal debtor, example minor, is not liable to pay. समझ आ गई बात जो हमने बात की थी. Next, writing not necessary. वो क्या बोलता है? Writing not necessary. मतलब इसका मतलब क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, जो agreement होते हैं, it may be oral, it may be in writing. जब वो पहले से वही वाला rule लगते आ रहे हैं सारे, तो contract में indemnity के लिए writing necessary नहीं है. लेकिन वो अलग बात है कि writing में कर लो तो ही better है. जुबान की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है. करेक्ट. तो लिखिए, a contract may be either oral or written. It may be express or implied. अब तुम्हारे को दोनों ही पता है क्या होते हैं. Implied guarantee may be inferred. Inferred का मतलब क्या होता है? पता लगाना. From the course of conduct of the parties concerned, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं. Next, benefit to the principal debtor is sufficient consideration, but past consideration no consideration for a contract guarantee. इसका क्या मतलब पता है? एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. ए ने बी को 10,000 का लोन दिया हुआ था, उसके लिए कोई गारंटी नहीं थी. बाद में ए ने बी को 10,000 का लोन और दिया. टोटल कितने का लोन दे दिया उसने? 20,000 का. इस वाले 10,000 के लोन के लिए गारंटी बीच में आ गया कि मैं पैसा दूंगा. तो वो कहता है जो बाद वाले लोन के लिए आया, तो अगर पास की जो कंसिडरेशन करी, जो पहले वाला लोन है उसके लिए गारंटी लायबल नहीं है. वो खाली किसके लिए लायबल है? बाद वाले के लिए, जिस टाइम उसने जाके गारंटी दी है. एग्जाम्पल लिख ले, कहीं भूल नहीं. सिक्स पॉइंट तुम्हारे को पहले से आते हैं, पहले लिख लो फिर सिक्स पढ़ते हैं, है ना? बता दी मैंने बात कि श्योरिटी को पहले पकड़ा जा सकता है एज कंपेयर टू प्रिंसिपल डेटर. कहीं पे पार्ट हो रहा है ना? आसपास जागरण नहीं है सरदार. भाई शिवांकर दिख रहा हूं तेरे को मैं? अच्छा, अब कोई माइनर तो नहीं रह गया यहाँ पे? अब सारे बड़े हो गए? अभी भी माइनर है यहाँ पे? कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच. तू भी माइनर है अभी तक? तू फेब में आएगी मेजर. अभी तुम सारे बालक हो, मतलब छोटे वाले, मतलब माइनर. अभी तुम सब 18-18 के हो गए, तुम्हारे बड़े बच्चे हो तुम. अच्छा, और बाकी सारे हमारे जवान हो गए हैं सारे. अच्छा अच्छा, कोई 18 के बाद 19 वाला भी है यहाँ पे? अच्छा, होने वाले. और जो हो गए? एक दो, बस दो. तू भी हो गई? तू दीदी है इसकी? चलो आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट, अ श्योरिटी कैन बी प्रोसीडेड अगेंस्ट विदाउट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट. पढ़ी थी हमने बात, श्योरिटी के ऊपर पहले केस हो सकता है, जरूरी नहीं है प्रिंसिपल डेटर पर पहले केस हो. बात हुई थी इसकी. लास्ट, इफ द को श्योरिटी डज नॉट जॉइन, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट वैलिड. अभी चले, को श्योरिटी क्या होता है ध्यान से देखना. एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. ए है, बी है. ए ने बी को लोन दिया है 10 लाख का. तो ए ने अगर बी को लोन दिया है तो ये कौन हो गया क्रेडिटर? बी कौन हो गया प्रिंसिपल डेटर? अब हम एग्जांपल लेके बात करते हैं. सी यहां पे है श्योरिटी, लेकिन ए कहता है कि मेरे को गारंटी चाहिए. ए क्या कहता है? मेरे को गारंटी चाहिए. मतलब ए कहता है मेरे को गारंटी चाहिए. तो बी कहता है ठीक है मैं बात करता हूं.
ए कहता है कि मेरे को जो गारंटी चाहिए वो किससे चाहिए, डी से, सी से नहीं चाहिए, वो बंदे का भी नाम स्पेसिफिक कर रहा है, मैं उससे ही गारंटी लूंगा, मैं उस पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। हो सकता है ना ऐसा, हम जिस पे ज्यादा भरोसा करते हैं उसको अपना गारंटर बनाना चाहते हैं। तो ए कहता है कि मैं किससे गारंटी लूंगा, डी से, और बी किसको बनाना चाहता था सी को। तो जब ये बी डी के पास गया तो डी ने कहा मैं खाली कितने के लिए गारंटी दूंगा, 5 लाख के लिए। कितने के लिए दूंगा, 5 लाख के लिए। तो पहली बात श्योरिटी तो हो गया, करेक्ट, लेकिन कितने के लिए, 5 लाख के लिए। बाद में अब बी को कोई और भी पकड़ना पड़ेगा कि 10 लाख पूरे करने हैं। बी सी के पास भी गया, इसने कहा ठीक है चलो 5 लाख की रिमेनिंग की गारंटी मैं देता हूँ, दिस इज को श्योरिटी। ये कौन है, को श्योरिटी, जिसने उसके साथ ही मिलकर श्योरिटी दी है। तो अभी दोनों एक दूसरे के लिए कौन हो गए, को श्योरिटी, करेक्ट। लॉ बोलता है अगर इसने ज्वाइन नहीं करा तो ये भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि पूरे की गारंटी थी। अगर कल को ये मुंह करता है तो ये भी साथ ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, कि दोनों का एक मिला के कॉन्ट्रैक्ट था कितने का, 10 लाख, क्योंकि इस तरफ से कंसिडरेशन एक ही थी, इस तरफ से कंसिडरेशन एक ही थी, इस वजह से अगर ये बाहर तो ये भी बाहर। अच्छा एक बात बताओ, फिर अगर दोनों श्योरिटी भग गए तो केस किसके ऊपर होगा, अल्टीमेटली रिकवर किससे करवाएगा, क्योंकि पहली बात तो प्राइमरी लाइबिलिटी इसकी होती ही नहीं, होती किसकी प्राइमरी लाइबिलिटी, समझ आती है बात, क्लियर हो गया ये वाला लास्ट पॉइंट, ठीक। चलो अभी नीचे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस क्या होता है, ये तो ना पढ़ाओ, ये तो हो गया है, लिखना है, लिख लो, लिख लो, लिख लो। वो तो वापस आऊंगा, अभी पहले ये देख, नहीं दोनों दोनों को बन गए, पांच पांच के लिए वो, पांच के लिए हाँ, एक के लिए दोनों को, उसके एक के लिए तो दोनों ही को छोटी हो गए ना, शिवांग कर एक काम कर, 5 मिनट कैमरा बंद कर दिया, फिर एक ले लू पानी वानी पी, पीछे लाल वाला बटन दबा दे, हो गया डन, कह रहा मेरे को क्या पता चल ठीक बड़े आगे। चलो कंसिडरेशन फॉर गारंटी, वो कहते हैं गारंटी की कंसिडरेशन क्या है। अच्छा एक बात बताओ, इधर से पैसा आया प्रिंसिपल डेटर के पास, करेक्ट, प्रिंसिपल डेटर के बदले में उसका पैसा वापस कर देगा, इन दोनों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट समझ आता है। श्योरिटी इधर से तो पैसा दे रहा है, इसको बदले में कंसिडरेशन क्या मिल रही है, किसी को याद हो, कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बाद में उसको पैसा मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, उसके लिए कंसिडरेशन क्या बन जाएगी, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये वही वाली बात कर रहे हैं। जरा देखते हैं नीचे, देखो व्हाट कंसिडरेशन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कंसिडरेशन केस ऑफ गारंटी इज एन इंपॉर्टेंट इशू एंड इज लेड डाउन इन सेक्शन 127 ऑफ द एक्ट। एज पर सेक्शन 127 ऑफ द एक्ट, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड, बड़े ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में जब ये यहाँ पे श्योरिटी बोल रहा होता है तो यहाँ पे अभी ये पूरा पैसा ये दे देगा, क्या इसने कंसेशन दे दी होती है, खाली प्रॉमिस किया होता है, प्रॉमिस किया होता है। वो कहता है इस वाले केस के अंदर प्रॉमिस मेड भी इफेक्टिव कंसेशन मानी जाएगी, क्योंकि एक बात बताओ, क्योंकि हमेशा, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही बनेगा, क्या इसको हमेशा पैसा देना पड़ेगा, क्या पता ये बेचारा वापिस दे दे, तो ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो गया, डिस्चार्ज, यहाँ से क्या हो गया बाहर। अच्छा कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर एक बात बताओ कि ये जब गारंटी दे रहा है यहाँ पे तो ऑब्वियस ही बात है इसको क्या मिलेगा, पैसा वापस मिलेगा किससे, प्रिंसिपल लेटर से वापस मिल जाएगा बाद में, तो सर ये तो जितना पैसा उसने दिया उसको उतना ही पैसा वापस मिल गया, तो श्योरिटी लोग बनते ही क्यों है, कोई प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं ना यहाँ पे, प्रॉफिट तो दिख नहीं रहा, समझ आ रही है मेरी बात, मैंने क्वेश्चन क्या रेज करा कि जितने पैसे का उसने लोन लिया उतना ही पैसा कौन वापस करेगा उसको, प्रिंसिपल लेटर किसको वापस कर देगा, श्योरिटी को, श्योरिटी बने क्यों, दोस्ती यारी, प्रैक्टिकली होता होगा ऐसा, मेरा कोई दोस्त है इन इन तीनों के आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसका अच्छा दोस्त है, क्या इसको पैसे उससे मांगेगा, बेटे ब्याज लूंगा तेरे से 3 महीने का कर दूंगा, अच्छा ऐसा होता भी होगा तो दे दो अलग से, लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर मेंशन नहीं होगा, वो ब्याज अलग से जाएगा उसको कमीशन टाइप, लेकिन उसको जो पैसा दिखाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में कितना दिखाया जाएगा, 10, समझ आती है बात, तो ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हो, लेकिन समझ आ गया, ऐसा प्रैक्टिकली फॉलो होता होगा। हाँ मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो रखा है, हमारे दोस्त एक दोस्त था, उसने क्या करा, मार्केट से लोन उठाया 1 लाख 20 1 लाख 20 हजार का, स्कूल टाइम के अंदर, 12वीं का बच्चा,
मार्केट से लोन उठा लिया 1,20,000 का, क्या करना, डेट मारने आना है। और 1,20,000 की डेट नहीं मारी है उसने, बता रहा हूँ भी क्या करा है। माँ को कभी उसने डायमंड नेकलेस दिलवाया, उसके लिए दिलवा दिया डायमंड नेकलेस 1,20,000 रुपये भाई ने मार्केट से उठा के, 70,000-80,000 का उसका जो नेकलेस नेकलेस आया होगा, जिसने बनवाया होगा, बाकी 30,000-40,000 रुपये भाई को डेट के लिए भी खर्चा चाहिए। 5 स्टार में मारेगा डेट, भाई को छोटी जगह पर नहीं मारनी। अब 1,20,000 रुपये चुकाने के लिए गारंटी कौन देगा? मैंने नहीं दी भाई, मैंने नहीं दी। एक दूसरे दोस्त को पकड़ा, वो दोस्त स्कूल टाइम से बुक्की था, मतलब वो लड़का स्कूल बुक्की समझ आते हैं है? जो अरे नहीं समझ आते, चल मजे ले रही है सट। अबे जन्नत पिक्चर देखी है? आधे सट्टोरियल इंडिया में बने जन्नत पिक्चर के बाद थे। किस किसने देखी जन्नत? बस जिन्होंने देखी उनको समझ आ जाएगा उसमें सट्टे का बुरा क्या खेलता। अच्छा वैसे बुक्की पता तो है क्या होते हैं? बुक्की क्या होते हैं, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। इसको इसने सट्टा लगाया, सचिन जीतेगा, हाँ सचिन जीतेगा। तो ये किसके पास गई है? बुक्की के पास, क्या सचिन जीतेगा, उसके पास इसने पैसा लगा दिया। और ये लड़की, अब ऑब्वियसली बात है, जब एक बंदा जीतने का लगा रहा दूसरा हारने का लगाएगा, अब ऑब्वियसली दोनों में से किसी एक की जीत होगी। सचिन जीत गया तो ये जीत जाएगी, अगर सचिन हार गया तो ये जीत जाएगी। यहां तक बात समझ आती है? बुक्की का काम क्या है, वो दोनों तरफ से कमीशन लेगा, दोनों तरफ से कमीशन लेगा। उसका मेन फायदा क्या होता है? बुक्की रिकवरी करवा देते हैं, बुक्की रिकवरी करवाता है। कल को अगर ये पैसा मार गई, जो हार गई, जो हारेगी, और अगर वो पैसा मार गई तो बुक्की रिकवर करवा लेगा अपने आप। इसने बिक्की को बीच में इन्वॉल्व कर दिया था। बुक्की तो दोनों तरफ से कमाता है, जीतने वाले से भी और हारने वाले से भी। तो मेरा वो दोस्त बुक्की था, और बुक्की तुम्हारा समझ आ जाता होगा कि नॉर्मल लोग नहीं बन सकते तुम्हारे में। जिसकी रिकवरी की पावर बहुत तगड़ी होगी वो ही कर पाता होगा, जिसको मतलब मार्केट में उसको पता होगा मेरा इतना है कि मैंने एक बार बोल दिया तो अपने आप देने आएगा पैसा। ऐसे वाले लोग से उसने गारंटी दिलवाई, ऐसे वाले गारंटी, बाद में खुद भी मार गया, गारंटी ने गारंटी पैसे नहीं देनी थी, बात खत्म हो गई, पूरा पैसा डूब गया। क्योंकि बुक्की से कोई निकलवा नहीं सकता, वो दे दे तो अलग बात है, अपनी इच्छा से बुक्की से कोई निकलवा नहीं पाता आसानी से पैसे, और उसने खुद वो मार गया। अगर प्रिंसिपल अटॉर्नी देगा तो कौन देगा? और ये दोनों काम क्या थे? गैम्बल, इलीगल काम है, इसकी गारंटी वैलिड नहीं होती, खत्म हो गई बात, पिक्चर खत्म, पूरा पैसा डूब गया। ले दे के भाई की डेट फ्री, इंटरप्रिटेशन इसकी निकली आखिरी में कि भाई की डेट फ्री। वो एक पहला दोस्त था मेरा ऐसा स्कूल टाइम में, जिसको मतलब उसको ना प्राउड फील होता था कि वो जेल से होके आया, मतलब ऐसा दोस्त। हम लोग ट्यूसडे और फ्राइडे हमेशा स्कूल बंक मारते थे, ट्यूसडे फर्स्ट डे, मतलब फ्राइडे हर पिक्चर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ट्यूसडे वोडाफोन में एक के साथ एक टिकट फ्री होती थी, तो हम लोग वेव सिनेमा बैठे रहते थे कुछ अम्बी के अंदर, हमारा स्कूल आनंद विहार में था, तो वेव सिनेमा जाके बैठ गए सुबह सुबह बैठे। अब वो भाई तो जर्सी का, अब वो दारू वारू लेके बैठ गया सुबह सुबह, मॉडल शॉप पीछे बियर थी उसने मंगा ली, चिकन विकन मंगा लिया, टंगड़ी वंगड़ी लेके बैठ गया। मैं तो चिकन तो खा ही लेता था, मैं पेप्सी लेके बैठ गया साथ में, क्या करूँ कंपनी तो देनी है। अच्छा बैठ, सुबह सुबह गए खा रहे हैं वहाँ पे मजे से, और चल रहा है अच्छा वो खा रहा है। उसके बाद 10 बजे की पिक्चर होती है ना, सुबह 8 बजे भाई साहब को भूख लग रही आती है, सुबह 8 बजे भाई साहब पैक पी रहे हैं, मतलब सुबह का शेव शराबी था वो, सुबह मतलब सुबह सुबह भगवान के नाम का कोई मतलब नहीं। मैंने उसको बोला, मैंने कार्तिक, उसका नाम कार्तिक था, मैंने कहा बाबा था तेरे घर में तेरे मम्मी तेरे भाई तेरे पापा कुछ बोलते नहीं तेरे को? कहता भाई ने एक बार मेरे को बोला था एक पैक मेरा ही बना दे। ये एक बार भाई ने मेरे को बोला था एक पैक मेरा ही बना दे, बस आज तक कह रहा, और किसी ने कुछ नहीं बोला इस घर के अंदर। मतलब ये तो हमारे, मतलब मेरी कहाँ संगति थी, मैं कैसा था, और मेरे साथ क्या अच्छा सारे वही। अच्छा लेकिन वो बहुत मैंने चेंज करा अपने आप को, लेकिन उस टाइम पे जो मेरी दोस्ती आ रही थी ये सब था। अच्छा मैंने कहा कार्तिक तेरा नाम वाम ऐसे बदनाम हो जाएगा, कह रहा अभी तो रोशन करूंगा मैं तिहाड़ में जाने की तैयारी 6 महीने की पूरी। फिर होके भी आया, 3 महीने में वापस आया 6 महीने की जगह, कहता आजकल मैंने अपने पापा का नाम पूरे मोहल्ले में रोशन कर दिया, कहता लोग दूर से बोल रहे इनका बेटा तिहाड़ गया। तो आजकल तो खैर दुबई चला गया वो, अब यहाँ नहीं रह रहा हूँ इंडिया में, वहां से आने का तो दुबई चला गया। कह रहा भाई इंडिया में रहूंगा, मैंने बाप की बहुत इज्जत बनवा दी यहाँ पे, कह रहा कम से कम मैं तो बाहर सुकून से रहा हूँ, बाप बदनाम होता हुए ये कह रहा, और चला गया बाहर। चलो अब हम वहाँ मेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंसीडरेशन ऑफ गारंटी, अच्छे समझ आ गई ना बाकी मैंने बताई थी, नीचे एग्जांपल डालो वही वाला, ये पढ़ लेना नीचे सीधा नेक्स्ट पेज पे आओ, नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी लिखो, शायद आएगा, मतलब इसमें से शायद कोई केस बन जाए तो बन जाए, वरना नहीं बनेगा। नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी डिफरेंस के देखते हैं, वेयर द पार्टीज, हाँ शायद सही में लिखेगा तू चलो ठीक है, वेयर द पार्टीज, भाई मतलब मेरी बात को हल्के मत लियो, आएगा आएगा वाला आता है, पूछते बच्चे सबूत बैठे पीछे गवाह हमारे, वेयर द पार्टीज, हाँ
मजाक अलग चीज है ना. वेयर द पार्टीज डू नॉट स्पेसिफिकली एग्री एज टू द एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ. ठीक चलो. वेयर द पार्टीज डू नॉट स्पेसिफिकली एग्री एज टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल बी कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. इस लाइन का मतलब समझ आता है? वो क्या बोलता है, कई बार देखो तुम्हारे को पता होगा, कई बार ऐसा होता होगा प्रिंसिपल लेटर बोलता होगा एक काम कर 10 लाख का लोन ले रहा हूं, 5 तो मैं ही चुका दूंगा 100%, 5 की गारंटी मैं दिलवा देता हूं. तो इसका मतलब श्योरिटी की लायबिलिटी पहले से डिटरमाइन थी कितनी है 5 लाख. वो कहता है अगर श्योरिटी की लायबिलिटी डिटरमाइन नहीं हुई तो श्योरिटी की लायबिलिटी इज इक्वल टू कोएक्सटेंसिव क्या होता है, इज इक्वल टू कोएक्सटेंसिव मतलब इक्वल किसके बराबर हो जाएगी, प्रिंसिपल लेटर के बराबर. मतलब अगर जितने कैश ने कर्जा लिया उतने की लायबिलिटी किसकी, उसकी. तो मतलब 10 लाख का कर्जा ले गया पूरी लायबिलिटी किसकी, 10 लाख की श्योरिटी की. अगर ये नहीं चुकाएगा तो पूरा 10 लाख चुकाएगा. समझ आती है बात. अगर डिटरमाइन नहीं हुआ एग्रीमेंट से, तो अगर एग्रीमेंट पहले डिटरमाइन कर दिया प्रिंसिपल लेटर बोलता है 5 तो मैं पूरा चुकाऊंगा 5 के लिए मैं गारंटी दिलवा देता हूं, तो बात अलग है. वो कहता है अगर ऐसा उन्होंने एग्रीमेंट करके डिटरमाइन नहीं करा तो क्या होगा, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल डेटर. तो जितने का कर्जा ही लेके आया उतने की पूरे की लाइबिलिटी किसकी होगी, श्योरिटी की. समझ आ गई बात. तो कोएक्सटेंसिव मींस इक्वल, किसी के ऊपर से तो नहीं गई बात, ऑल क्लियर वाली सिचुएशन तो नहीं है. ठीक चलो. Coextensive means equal. अच्छा लिख लेना इस वाले केस के ऊपर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ इस केस स्टडी के ऊपर, इस लाइन के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आया था. ए बी एंड सी करके लोन लेके आए लेकिन उन्होंने आपस में कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट नहीं करा कि कौन कितना कितना पैसा चुकाएगा, तो उन्होंने अमाउंट दे रखा था कि इतने का लोन लेके आए, तो फिर श्योरिटी भी कितना चुकाएगा जितने का वो लोन लेके आए. नेक्स्ट द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेस इमीडिएटली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द डेटर. ऑब्वियसली बात है जैसे डेटर डिफॉल्ट करेगा वो किसको पकड़ेगा, श्योरिटी को. आगे but the creditor is not bound to give any notice of the default of the debtor to the surety or exhaust all the remedies open to him as against the debtor before proceeding against the surety. is like you interpretation karega aage badh ke bad dhyan se dobara padh lo. wo kya keh raha hai, debtor ne agar koi default bhi kara to wo surety ko pakdega. लेकिन वो कह रहा है श्योरिटी को जरूरी नहीं है वो जाके बताए कि डेटर ने डिफॉल्ट करा है. क्यों, इसका लॉजिक की कहां से निकल के आएगा पीछे से, क्योंकि वो पहले श्योरिटी को भी पकड़ सकता है इंस्टेड ऑफ डेटर. तो वो सीधा जाके किसको पकड़ेगा, डेटर को और श्योरिटी को, सीधा जाके उसको कोई जुबान देने की जरूरत नहीं है कि डेटर ने मार लिया इसलिए मैं तेरे से लेने आया हूं, तू दे पैसा, बात कर तू ही देगा. क्योंकि बात कहां से निकल के आई होगी, पीछे से, क्योंकि पहले श्योरिटी के ऊपर केस हो सकता है इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल डेटर, वहीं से बात निकल के आई है. तो नेचर ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी थी. तीसरा the creditor is free to realize the debt when it becomes due either from the debtor or the surety. it is not necessary to proceed against the debtor first. he may sue the cut copy paste pehle wala nahi batane ki zarurat. next where a debtor cannot be held liable on account of any defect in the document the liability of surety also ceases. ye bada important hai. ceases ka matlab stops. cease ka matlab stops. wo kya bolta hai, agar koi loan lete waqt example deke baat karte hain, principal debtor ne creditor se loan liya correct, aur is loan agreement mein koi defect tha, लोन एग्रीमेंट में कोई डिफेक्ट है, इन्होंने जान के फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाया था उस केस के अंदर. अच्छा जब लोन एग्रीमेंट ही डिफेक्टिव है तो इसकी लायबिलिटी ऑटोमेटिक खत्म हो गई. वो कहता है जब इसकी खत्म होती है, हर खत्म हो गई तो ऑटोमेटिक किसकी खत्म हो गई, श्योरिटी की भी हाथ वाथ खत्म. क्यों, क्योंकि ये तो लायबल ही किसके लिए था, इसके लिए जब यही भार हो गया तो ऑटोमेटिक ये भी भार हो गया, पापा भार तो बेटा भी भार. ठीक चलो आगे बढ़ते हैं. अब आता है टाइप्स ऑफ गारंटी. टाइप्स ऑफ गारंटी लिखो आएगा, ये टाइप्स ऑफ गारंटी तुम्हारे इस पेज पे नहीं था, नेक्स्ट पेज पे है. अच्छा एओसी आ गया. अच्छा एओसी आ गया, वैसे मेरी वाली बुक में नीचे एओसी नहीं आता है ना. हाँ वो मेरी बुक है, मैं डालता ही नहीं हूँ. चलो नीचे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ गारंटी ये क्या होती है देखो बड़े ध्यान से. एक होता है, क्या हो गया भाई, किस बात की खुशी है बता दे. अच्छा चलो टाइप्स ऑफ गारंटी कह रहा दो तरीके की गारंटी होती है, एक होता है स्पेसिफिक गारंटी, एक होता है कंटेनिंग गारंटी. वो बोलता है स्पेसिफिक गारंटी वो गारंटी होती है जो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है, किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए. यहां पे कितनी ट्रांजैक्शन थी, एक. दिस इज स्पेसिफिक गारंटी, दिस इज स्पेसिफिक गारंटी. अगर वो कहता है मोर देन वन ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी जाए दैट इज कॉल्ड कंटेनिंग गारंटी. एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, ये बंदा जो क्रेडिटर है ये होलसेलर है, ये माल सप्लाई करता है, और ये कौन है, रिटेलर. और ये श्योरिटी है, ये बोलते हैं काम कर पूरे साल में जितने का माल लेगा उसकी गारंटी मैं देता हूं, जब जब ये नहीं लेगा. तो ये एक ट्रांजेक्शन की गारंटी दी, उसने पूरे साल के लिए दे दी है, दिस इज कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. ये क्या है, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. समझ आया स्पेसिफिक और कॉन्टिन्यूइंग के अंदर. सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी जाए तो
स्पेसिफिक गारंटी मोर देन वन ट्रांजेक्शन दी जाए तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. इसने क्या बोला था यहाँ पे, ये होलसेलर जैसा इसने रिटेलर का, ये होलसेलर, ये रिटेलर. अच्छा होलसेलर आप लोगों को पता हो क्रेडिट पे माल देते हैं, करेक्ट. होलसेलर क्रेडिट पे इसको माल देता था और श्योरिटी बीच में था. श्योरिटी ने कहा कोई बात नहीं, एक काम कर पूरे साल के लिए जितने का माल दे रहा देता रहे, जब जब ये पैसा नहीं देगा तो कौन देगा, मैं दूंगा. तो उसने एक साल में तो कितनी मर्जी ट्रांजेक्शन हो सकती है, इसे हम क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूइंग. पढ़ लेते हैं, तुम्हारे पेपर में एक बार डिफरेंस आया है कॉन्टिन्यूइंग और स्पेसिफिक का, और गारंटी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है और उसके कुछ एसेंशियल पॉइंट्स क्या, अभी आगे पढ़ोगे. वो अलग से क्वेश्चन आया सिक्स टाइम, वो वाला क्वेश्चन अलग से कितने बार एम्स आया सिक्स टाइम, और डिफरेंस खाली एक ही बार आया कॉन्टिन्यूइंग और स्पेसिफिक में, और वो भी इंटर में नहीं आया आईपीसीसी में आया था. सी इंटर में नहीं आया, किसमें आया था आईपीसी, मतलब पिछले वैसे पिछले वाले अटेम्प्ट में. तुम्हारा भी इंटर कितने अटेम्प्ट हुए, एक ये वाला और एक इससे पहले वाला. इससे पहले ये क्वेश्चन तुम्हारा आया है मई 16 में. कब आया था ये वाला क्वेश्चन, मई 16 में. ये दोनों के बीच में डिफरेंस, उसके बाद आज तक नहीं आया, ठीक है. लेकिन है बहुत सिंपल, 5 नंबर का आया था. नीचे क्या कुछ नहीं करना, एक एक लाइन दोनों की उनकी आएंगी, नीचे उनके एग्जांपल्स क्रिएट करने, फिर दोनों के एसेंशियल लिख देने जो भी आगे आएंगे, ऐसे भर के वो बन जाएगा. जरा पढ़ते हैं पहले. स्पेसिफिक गारंटी, व्हेन अ गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सिंगल ट्रांजेक्शन और डेट, इट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी. समझ आती है, नॉर्मली सारा रूल यही वाला चलता है, सिंपल गारंटी वाला, स्पेसिफिक गारंटी वाला, जब सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए होगी, सिंगल डेट के लिए होगी. इट कम्स टू एन एंड व्हेन द गारंटी डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज और द प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म. दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, गारंटी डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज और प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म, दोनों में फर्क है कुछ. वो अगर प्रिंसिपल डेटर दे देगा तो ड्यूली डिस्चार्ज वाले केस में आ गया, कि प्रिंसिपल डेटर खुद दे देगा ऑटोमेटिक वो खत्म, और वो आगे वाला जो है प्रॉमिस इज फुली परफॉर्म, तो उस केस में अपना श्योरिटी ने प्रॉमिस पूरा कर दिया, वादा पूरा कर दिया. दोनों में फर्क समझ आया, तो दोनों लाइन का मतलब अलग लगता, ठीक. चलो आगे बढ़ते हैं. कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, व्हेन अ गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज कॉल्ड, समझ आता होगा, सिंगल के लिए तो स्पेसिफिक, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए तो कॉन्टिन्यूइंग. अच्छा, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी एक्सटेंड्स टू ऑल द ट्रांजेक्शन कंटेम्प्लेटेड. कंटेम्प्लेटेड का मतलब होता है जो यहां पे एक्सरसाइज की गई है ट्रांजेक्शन, यहां पे इसका मतलब ये है जो यहां पे ट्रांजेक्शन एक्सरसाइज की गई है, अंटिल द रेवोकेशन ऑफ द गारंटी. अंटिल द रेवोकेशन का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन. रेवोकेशन का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन. एग्जांपल लेके बात करते हैं. ए ने बी को लोन दिया था 10 लाख का, तो सेम वही कौन हो गया क्रेडिटर, ये प्रिंसिपल डेटर. श्योरिटी ने, श्योरिटी है लेट से मिस्टर एस, इसने बोला कि पूरे साल के ट्रांजेक्शन के लिए कौन देगा गारंटी, मैं देता हूं. और एग्जांपल देते हैं, स्टार्ट जो ट्रांजेक्शन हो रही है 1/1/2017 से हो रही है, तो ये पूरे साल कब तक वैलिड थी, 31/12/2017 तक, करेक्ट. हुआ क्या कि ट्रांजेक्शन करे जा रहा था, करे जा रहा था, बीच में 7/6/2017 को श्योरिटी बोलता है आज से मैं कोई गारंटी नहीं देता, आज से मेरी गारंटी कैंसिल, मैंने बीच में रिवोक करा. तो ऐसे केस के अंदर, अब इसके बाद वो जितनी भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके लिए वो लायबल नहीं है, लेकिन इससे पहले जितनी ट्रांजेक्शन हो चुकी है उसके लिए वो लायबल है. तो वो क्या बोल रहा है, गारंटी श्योरिटी कब तक लायबल रहता है, जब तक वो रिवोक नहीं करता, जब तक वो रिवोक नहीं कर रहा. रिवोक कब करी है, 7/6/2017 को, इसके बाद वो लायबल नहीं है, लेकिन इससे पहले जितनी ट्रांजेक्शन हो चुकी है उसके लिए वो लायबल. अच्छा एक चीज और एग्जांपल लेके बात करते हैं, 7 को इसने रिवोक करी है, लेट से 6/6 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन माल की डिलीवरी आ रही है 9 तारीख को. कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है, 6/6 को, माल की डिलीवरी आ रही है 9 तारीख को. मेरा क्वेश्चन ये, क्या अब श्योरिटी लायबल है, है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे एंटर हो चुका था, हमारे को डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर, ठीक है. आगे बढ़ो, चलो एग्जाम्पल देखते नीचे. A, in consideration that B will employ C in collecting the rents of B's जमींदारी, promises B. अच्छा A कौन है, देखो A, in consideration that B will employ C in collecting the rents of B's जमींदारी, promises B to be responsible to the amount of ₹5,000. ये क्या बोलता है, A कौन है, guarantor. वही guarantor हो गया ना, surety, A की बात है, correct. उसने क्या बोला, B, in consideration that B will employ C in collecting the rents of B's जमींदारी, तो उसने क्या बोला, ए ने बोला कि तू सी को रख ले हमारे रेंट्स कलेक्ट करने के लिए, क्या करने, अपने रेंट्स कलेक्ट करने के लिए, मतलब जमींदारी समझ आता है ना, बहुत बड़े बड़े जमीनें होंगी उनकी खेती बाड़ी करने के लिए, पैसा रिकवर करवाने के लिए. उसने क्या बोला होगा कि गारंटी मैं देता हूं, लेकिन एक बार ध्यान से देखना, इसने गारंटी कितने की दी है, खाली
5000 की। इसका मतलब अगर कल को वो डिफॉल्ट, इसमें एक इंटरप्रिटेशन और निकाल रहा हूं, तुम्हें ये तो समझ आ गया कि प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट के लिए कौन लायबल होता है, श्योरिटी। लेकिन एक चीज, अगर उसने अमाउंट पहले स्पेसिफाई कर रखा तो फिर उतने अमाउंट के लिए होता है। अगर कल को वो जमींदारी वाले केस में जो इतनी रिकवरी करके आया वो बंदा, और वो रिकवरी करने के बाद सपोज उसका 15000 मार के भाग गया, तो एक खाली कितने के लायबल होगा, 5000। समझ आती है? अब ये पूरे साल के लिए, मतलब जितनी बार भी वो कलेक्ट करता रहा, उसने क्या बोला है, पूरे साल के लिए कलेक्ट करवाता रहा बीन जमींदारी, लेकिन पूरे साल के लिए लायबल उसने लिमिट बांध दी, लेकिन अपनी कितनी, 5000। वो पूरे उससे पहले साल पेमेंट ली, पहली बार कर दी पूरी, दूसरी बार ली कर दी, तीसरी बार डिफॉल्ट करके भाग गया, पूरे साल के लिए, लेकिन साल के लिए पूरी कितनी रखी थी लिमिट। इसका मतलब आप कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में लिमिट बांध सकते हैं, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के अंदर लिमिट बांध सकते हैं ऐसा। और ये जेन्युइन चीज है, और ये मेरे ख्याल से समझदार वाली चीज है कि ऐसे तो पूरे साल में कितनी ट्रांजेक्शन होगी, वो सब में डिफॉल्ट करता जाएगा, सब में भागता जाएगा। उसने क्या बोल दिया, लिमिट बांध दी, मैं 20000 दूंगा साल में जितनी ट्रांजेक्शन हो रही देख ली, है तो कंटिन्यूइंग गारंटी लेकिन लिमिट पहले से ही स्पेसिफाई है। इससे फायदा हो जाता है, फायदा क्या होता है कि मैं उससे ऊपर नहीं दूंगा। कल को 50000 लेके भागे, लाख लेके भागे, जो मर्जी करे, वो छोटी कितने के लायबल है, खाली 20000। समझ आ गई बात, दिस इज कंटिन्यूइंग गारंटी का एग्जांपल है, तुम्हारे पेपर में एक बार क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ, इसे ही मैं ऐसे केस बना के जमींदारी वाला, ठीक। यहाँ पे नीचे इसने और बड़े सारे एग्जांपल, यार यहाँ पे कुछ है क्या, ये अटता क्यों है, यहाँ पे इसने क्या बोला, बी विल एम्प्लॉय, कहाँ गया, बी विल एम्प्लॉय सी, ना तो बी यहाँ पे कौन हो गया, क्रेडिटर बी यहाँ पे, और सी कौन हो गया यहाँ पे, प्रिंसिपल डेटर। इसको ऐसे ना, ठीक, एग्जाम्पल टू था, एक एग्जाम्पल थ्री देखना, थ्री वाला इंपॉर्टेंट है, जरा देखना। एग्जाम्पल थ्री पे आ गए, पढ़ू, ए गारंटीज पेमेंट टू बी, अच्छा एक चीज और, बी वाले देखो पहले, पहले एग्जाम्पल टू देखो, ए गारंटीज पेमेंट टू बी अ टी डीलर, ए ने गारंटी किसको दी है, बी को, तो एक हो रहा है यहाँ पे श्योरिटी, और जिसको गारंटी दी है वो कौन होगा, क्रेडिटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो बी कौन है यहाँ पे, टी डीलर कौन है, श्योरिटी टू द अमाउंट ऑफ $100, कितने के लिए, सोलर, तो इसका मतलब ए कौन था यहाँ पे, श्योरिटी, बी कौन हो गया यहाँ पे, क्रेडिटर, कितने के लिए उसने गारंटी दी है, $100 के लिए। आगे फॉर एनी टी ही मे हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी, तो सी कौन हो गया यहाँ पे, प्रिंसिपल डेटर। उसने क्या बोला, तू जितनी मर्जी टी सप्लाई कर साल के अंदर, लेकिन मैं कितने के लिए लायबल हूँ, $100 के लिए। आगे बी सप्लाई सी विद टी टू द अबव वैल्यू ऑफ $100, मतलब उसने $100 से ऊपर की सप्लाई कर दी। आगे सी पेज बी फॉर इट, और सी ने पैसा दे भी दिया पहली बार। आगे आफ्टरवर्ड्स बी सप्लाइज विद टी टू वैल्यू ऑफ $200, उसने फिर दोबारा भरोसा करके दोबारा 200 की भेज दी, लेकिन अभी तक गारंटी कितने की, खाली 100 की। आगे आगे क्या बोलता है, सी फेल्स टू पे, अब क्या हो गया, सी फेल्स टू पे, तो इस केस के अंदर अब क्वेश्चन आता है, क्या वो 200 रिकवर करेगा गारंटी से, 100। नीचे वो क्या बोलता है, द गारंटी गिवन बाय ए वाज अ कंटिन्यूइंग गारंटी एंड ही इज अकॉर्डिंगली लायबल टू बी टू द एक्सटेंट ऑफ $100। समझ आती है बात, समझ आती है। नेक्स्ट आता है रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, एग्जांपल दो ही करा दिए, बहुत है। रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, एक कंटिन्यूइंग गारंटी को कैसे रिवोक करा सकते हो, पहला आता है बाय नोटिस ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी लिख के देते नोटिस दे कि मैं नहीं बनना आप चाहता। सेकंड बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी, मर गया तो क्या उसकी कब्र से निकलवाओगे पैसा, बात ही खत्म हो गई, करेक्ट, ठीक है। आगे ये नेक्स्ट वाला टॉपिक तो पूरा लंबा चलेगा, ये तो 1.5 घंटे का टॉपिक है, खत्म कर देते हैं, चलो ओके बंद कर दे यार, वहां से बंद कर दे, हां बिल्कुल बिल्कुल।